एचएच न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली नजर में इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको यही लगेगा कि ये पेंटिंग्स हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पेंटिंग नहीं बल्कि इंडोनेशिया का एक खूबसूरत गांव है, जिसकी शक्ल सूरत बदलने के पीछे एक प्रिंसिपल का आइडिया ने ऐसा कमाल किया कि सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है। रेनबो विलेज में तब्दील हो गया है गांव। इंडोनेशिया का छोटा सा गांव कामपुंग पेलंगी कभी दिखने में स्लम एरिया की तरह लगता था, लेकिन आज रेनबो विलेज में तब्दील हो गया है। दरअसल इस कॉन्सेप्ट के पीछे एक जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने इस गांव की पूरी सूरत ही बदल दी। बताया जाता है कि 54 साल के स्लैमेट विदोडो इंडोनेशिया के कुछ गांव को देखकर काफी प्रभावित हुए थे। उन्हें एहसास हुआ कि इस स्लम एरिया में भी काफी बदलाव की जरूरत है, जिसके बाद वो अपने इस प्रस्ताव को लेकर सेंट्रल जावा कम्युनिटी से मिले। सरकार ने उनके प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया और अब तक करीब 14 लाख रुपए खर्च करके 390 घरों में से 232 स्लम घरों को अलग अलग रंगों से पेंट किया जा चुका है। वहीं मेयर हेनरी प्रिहरी का कहना है कि जिस एरिया में पेंटिंग किया जा चुका है वे दिखने में काफी अद्भुत लग रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कभी स्लम दिखने वाला यह गाँव अब कितना आकर्षक लग रहा है। वहीं लोगों का मानना है कि इस बदलाव के बाद ये जगह टूरिस्ट का आकर्षण केंद्र भी बनेगा। बता दें कि इससे पहले तीन और स्लम गांव का भी शक्ल सूरत इसी तरह से बदला जा चुका है।